हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने ये बनाया है आज दही बल्ले। तो हमारे दही बल्ले आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो जिन अंकल को आंटियों को दांत नहीं होते, वो भी ये दही बल्ले आराम से खा सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ये एक इशारे पे टूट जा रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए चलते हैं अपने दही बल्ले बनाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाले हूँ उड़द दाल के दही बल्ले। तो इसके लिए हमें उड़द दाल को कम से कम 3 से 4 घंटे पहले अच्छे से भिगो के रख देना है, और हमें मिक्सी में इसे कम पानी के साथ पीस लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारी दाल पीस के हो गई है रेडी। देखिए, जब भी हम पकौड़ी बनाते हैं ना, तो हमें दाल को हल्की करनी बहुत जरूरी होती है। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें अब ऐड कर देंगे जीरा, एंड अगर आप रेड चिली खाते हो तो छोटे छोटे रेड चिली भी आप इसमें कट करके डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, एंड स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड कर दे नमक। एंड मैं इसमें ऐड कर रही हूं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमें दाल को कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है, ताकि हमारी दाल बड़े बनने के लिए हो जाए तैयार। दही बड़ों में सबसे ज्यादा मेन रोल होता है एक तो जो हम पकौड़े बनाते हैं वो कितने सॉफ्ट हुए हैं, और दूसरा टेस्ट होता है दही का। और मसाला तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हर चीज में रखता ही है। आप अगर चम्मच से कंफर्टेबल हो तो आप चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स करते रहें, या अगर आप हाथ से कंफर्टेबल हो तो आप हाथ से भी दाल को अच्छे से मिक्स करते रहें। हमारी दाल जैसे कि ना, जब हम इसे अच्छे से घोटेंगे ना, तो ये ना फूल जाएगी, प्लफी हो जाती है, जिससे हमारे जो बड़े बनते हैं ना वो रुई के जैसे मुलायम बनते हैं। इसलिए हमें दाल को अच्छे से मिक्स करना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। आप देखोगे दाल, जब आप ऐसे मिक्स करते रहोगे ना, आप देखोगे दाल ना आपकी हल्की प्लफी होती जा रही है, फूलती जा रही है, हल्की हो जा रही है दाल। और दाल हमारी जितनी हल्की होगी, हमारे पकौड़े बनने में उतने ही सॉफ्ट होंगे, और खाने में जिनके दांत ना हो वो भी उसे आराम से खा सकते हैं। इसलिए हमें दाल को अच्छे से मिक्स करना है फर्स्ट। फ्रेंड्स, आप इसके ना मीठे खट्टे मीठे पकोड़े जो हम बोलते हैं ना, आप इसके वो भी बना सकते हो। तो फर्स्ट हम इसके पकोड़े बना लेते हैं, फिर हम इसमें आपको बताऊंगी कि खट्टे मीठे पकोड़े, इसी पकोड़ों से आप खट्टे मीठे पकौड़ियां भी कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पकौड़े बनाने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसके छोटे छोटे पकौड़े बना लेने हैं, और फ्रेंड्स इसे ना धीमी आंच में ही पकाएं। अगर आप हाथ से पकौड़े बना रहे हो ना, तो वो आपके ज्यादा राउंड और देखने में ज्यादा सुंदर बनेंगे। तो आप यहाँ पे अपने फिंगर फोर्क का इस्तेमाल करें और छोटे छोटे पकौड़े बना लें। फ्रेंड्स, ना इसमें हमने किसी इनो का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे खाने वाले सोडे का। सिर्फ हमने दाल को अच्छे से मिक्स किया है, यानी कि फेंट लिया है, जिससे दाल इतनी हल्की हो गई है कि हमारे पकौड़े जो है वो बहुत अच्छे गुब्बारे के जैसे फूल गए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने वाले हैं। हम जब देखेंगे कि हमारे पकौड़े ऑलमोस्ट कलर चेंज हो गए हैं, थोड़े थोड़े ब्राउनिश हो गए हैं, तब हम इन्हें हल्के हाथ से पलट देंगे, यानी कि हमें पकौड़ों को अंदर तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारी पकौड़ियां तो बनकर हो गई है तैयार। ओके, अब हम इसका जो है वो पानी, जिसमें हमें इसे भिगोना है, इसका पानी हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक पतीले में पानी थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और इसमें ऐड कर देना है हमें हींग। हींग से जो है वो पकौड़ों का टेस्ट ना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो थोड़ा पानी गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पकौड़े। फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा हींग पानी के साथ हो गया है मिक्स, यानी कि हमारा पानी गर्म हो गया है। अब हमें इसमें ऐड कर देना है हमारे फ्राई किए हुए पकौड़ी।
अब हमें इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट तक पानी में भीगे हुए छोड़ देना है, ताकि हमारे जो ये पकौड़ी है ये पूरे अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले और ये बहुत ही अच्छे से हो जाए सॉफ्ट। तो जो हम डालते हैं दही बड़े के ऊपर मसाला, ठीक है, उसके लिए हमें भून लेना है जीरा। पहले ये थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक इसे ना हल्की आंच पे फ्राई होने दे, इसका कलर ना ब्राउन हो जाएगा। ये हमारा जीरा हो गया है लाइट ब्राउन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और अब इन सारी चीजों को हमें पीस लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारे दही बल्ले ना भीग के हो गए तैयार। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़े ही सॉफ्ट बने हैं। ओके, तो अब हमें लेना है, हमें अब इसमें ऐड करना है थोड़ी सी चीनी। आप अगर मीठा खाना पसंद करते हो तो ही आप चीनी का इस्तेमाल करें, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, बट चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चीनी डाल के आप अच्छे से दही को पहले फेंट लें, ताकि इसमें कोई तरह के गुठले ना पड़ जाए। अगर आपको लग रहा है कि दही थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसे फर्स्ट हमें अच्छे से फेंट लेना है। अब ये जो हमने बनाया था जीरा, इसको अच्छे से हमें पीस के इसका पाउडर बना लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे दही बल्ले वाले पकौड़े। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी फर्स्ट ग्रीन चटनी, ऐड कर देंगे हमारा जो हमने दही बनाया है मीठा वाला दही, वो जितना दही आप देना चाहते हैं आप उतना दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ऐड कर देंगे हम इसके ऊपर इमली का थोड़ा सा पानी। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा केचप भी डाला है, तो आप इसके ऊपर अनारदाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर अनारदाना भी डाल सकते हैं। एंड ऊपर से थोड़ा सा डिलीशियस कलर अच्छा बनाने के लिए हम इस पे ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। एंड अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े से भुजिया, तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने वाला होता है। एंड लास्ट में इसमें ऐड करना है हमने मैजिक मसाला, जो अभी हमने बना के किया है तैयार। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दही बल्ले बनकर हो गए हैं तैयार। इसे आप ट्राई करके देखिए, इसे बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आपका चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो